हे hey, चलो बनाते हैं 3D चॉकलेट बिस्किट। पता है एक लड़की थी जिसके घर में कोई भी टॉफी या चॉकलेट आती थी तो वो उसे बचा के रख लेती थी ज्यादातर। पता है किस लिए? सिर्फ 3D ड्राइंग बनाने के लिए। और उनमें से ये एक कैडबरी बिस्किट है। आई थिंक 3 मंथ्स एगो ये मेरा भाई लेके आया था और मैंने इसे बचा लिया था ये कह के कि मैं इसकी 3D ड्राइंग बनाऊंगी। और 3 मंथ्स हो गया मैंने नहीं बनाया और ये चॉकलेट ऐसे पड़ी हुई थी। लेकिन फाइनली आखिरकार मैंने बना ही दिया इसे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट आपकी फेवरेट टॉफी या चॉकलेट जो मैं 3D ड्राइंग बनाऊंगी। यहाँ पे शेडिंग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पर्पल एंड ब्लू कलर। उसका हम शेडिंग करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कोट करेंगे देन सेकेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको जल्दी जल्दी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स का यूज किया है ताकि बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो ना हो। और बहुत ही लाइटली आपको कलर मिक्सअप करना है वरना आपका कलर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। वैसे तो मैं बहुत प्रो नहीं हूँ 3D ड्राइंग बनाने में बट आई हैव ट्राइड क्योंकि आप सब लोग इतना कमेंट कर रहे थे तो मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं वो भी कमेंट करना है। तो लास्ट तक वीडियो देखकर आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसे लगी। सो इस तरह से आपको बार बार प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पे मैं हल्का ब्लूइश कलर भी यूज कर रही हूँ विद पर्पल। एंड एक वीडियो को बनाने में एटलीस्ट मुझे 2 आवर्स तो लग ही जाते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं बट इट्स टाइम टेकिंग। इसलिए 2 to 3 days लग जाते कम से कम एक ड्राइंग को कंप्लीट करने में इन पार्ट्स। ओह माय गॉड। अब हम लोग थोड़ा अपने शेड को डार्क करेंगे और जितनी भी डिटेलिंग्स है उसमें अच्छे से शेडिंग कर देंगे। शेडिंग करने के बाद यहाँ पे येलो कलर से जो कैडबरी लिखा हुआ है वो लिख दूंगी मैं येलो एक्रेलिक कलर से एंड व्हाइट पेन से हाईलाइट कर देंगे। अब हमारी 3D ड्राइंग कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में बस पेंसिल से शेडिंग करनी है। सो इस तरह से आप कोई भी 3D ड्राइंग बना सकते हैं। सब जल्दी से लास्ट तक देखिए एंड कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड नेक्स्ट अपनी फेवरेट टॉफी कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, जल्दी जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। ओके बाय।